गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो न्यू रिकमेंड आया है वो ASRB से आया है, और ASRB मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इसमें आपको जॉब ऑफर कर रहा है, दो पोस्ट है, मतलब दो अलग अलग पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, मतलब 65 वैकेंसीज है। तो दो जो पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है और फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए है। तो इस दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करिए। तो उससे पहले इसका डिटेल्स देख लीजिए, क्योंकि इसके एडुकेशन क्वालिफिकेशन और इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर है वो मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टोरी में यहाँ पर डिस्कस करता रहता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के जॉब के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो जॉब है वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड से आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ पे जो जॉब है वो आपको सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया से तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है वो 65 है, जिसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 44 पोस्ट है, और यहाँ पे फाइनेंशियल और अकाउंटिंग पोस्ट के लिए 21 पोस्ट है। तो देखा जाए, अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। और एक्सपीरियंस देखिए, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में, और यहाँ पे 21 से 30 ईयर्स आपको एज लिमिट होना चाहिए। मतलब एज लिमिट के जो बैंड दिया गया है वो 21 से 30 ईयर्स तक, तो इसके अंदर आपको एज लिमिट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसीडियर रहेगा वो टोटली रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और देन आपका इंटरव्यू होगा। तो देखा जाए, तीन टेस्ट के बाद आपको सिलेक्शन हो पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज़ आपको पे करना है OBC, सॉरी जेनर कैटेगरी और OBC के लिए, और SC ST फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी चार्ज, सॉरी 20 रुपीज़ चार्जेस आपको देना होगा। वो भी आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी पैकेज सिलेक्शन होने के बाद ही आपको पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए, एडुकेशन क्वालिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 44 पोस्ट जो है, इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो कैंडिडेट देखिए मस्ट ग्रेजुएट पास आपको होना चाहिए, वो भी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपको होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो डिग्री है वो आपको एक्सटेंशन और यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट एंड मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज आपका होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड जो पोस्ट है वो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए है। टोटल देखा जाए 21 पोस्ट है, जिसका आपको ग्रेजुएट पास जरूर होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ आपको 55% मार्क्स भी होना चाहिए तब अप्लाई कर पाएंगे, और उसके साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर का आपका बेसिक नॉलेज हो तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि टोटल जो काम करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर में ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और आपका आउटलुक और ईमेल, ये सब वगैरह का आपको जानना होगा तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहेगा वो 23 अगस्त, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द अप्लाई करने के शुरू कर दीजिए। मैं आपको प्रोसीड्योर दिखा दूंगा। तो दिखाने से पहले मैं यही कहूँगा, अभी तक मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुआ तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ पर आपको एडमिट सिलेबस आधा स्टेटस मिलता रहेंगे। तो चलो नोटिफिकेशन में पहले क्लिक करेंगे। तो जब नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डेट दिया गया है, तो आप डेट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी, एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट रहेगा 23 जुलाई से, और लास्ट डेट 23 अगस्त तक आपको चलेगा। और एप्लीकेशन कितना पोस्ट है और कितना पोस्ट के लिए कौन सा वैकेंसी है, मतलब कौन सा कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसी है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको दिखा दूँ, एप्लीकेशन की जो फीस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अदर्स डिटेल्स भी आपको देखना हो तो आप पूरा देख सकते हैं। और एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा और कौन सा स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है।
और एप्लीकेशन का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पूरा डिटेल सब चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का क्वेश्चन रहेगा, कौन सा पेपर में कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, वो पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप पूरे डिटेल्स में चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक यहाँ में क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन में। तो इस पेज में पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में जब ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको देखिए एप्लीकेशन प्रोसीडियर यहाँ पे पांचों स्टेप दिया गया है। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन का क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा, उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा और आपका थंबनेल भी अपलोड करना होगा, आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकलना होगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, तो पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दीजिए और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बाकी डिटेल्स फिलअप करना होगा। यहाँ पे देखिए आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप दोनों एक ही साथ पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक साथ कर सकते हैं, और उसके बाद सबमिट में क्लिक कर दीजिए। जब जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मास्टर सॉरी मिस्टर मिसेस और डॉक्टरेट डिग्री है तो आप उसमें सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नाम और उसका फादर्स नेम और जेंडर और ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे आपको डालना होगा, और आपका फुल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। तो इसको सबमिट करने के बाद वही आपको फिर से लॉगिन पेज में जाना होगा, और लॉगिन पेज में जाकर आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो सिंपल स्टेप है, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपका पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलने वाला है, डेली बेसिस जॉब और आदर्स डिटेल्स भी मिलने वाला है। और आपको डेली बेसिस जीके का नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ से इस लिंक में आपको जाकर क्लिक करना होगा, मतलब इस वीडियो में आपको जाकर क्लिक करना होगा, और स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे डेली बेसिस जीके और करंट अफेयर का रेफरेंस के बारे में आपको पता चलेगा। तो आई होप पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले जॉब लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।